थोड़ा सा जीरा हम इसमें डाल दें, थोड़ा सा तेल डाल के एक चम्मच डाला जितना हमने आलू लिए हैं, ये हमने जीरा लिया। अब ये हम इसको ये आधी चमची हमने कुटीनी डाल दी इसके अंदर, और हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। उसके बाद हम चाट मसाला, ये हमने थोड़ा सा चाट मसाला चुटकी भर डाले, ज़्यादा नहीं डाले, छोटी जगह से इतना डाल देते हैं, कम लग रहा है। ये चाट मसाला बहुत मज़ेदार है, बाहर का होता है, आप भी ये ऐसे फ्राई करेंगे, अच्छे सा फ्राई होगा, और अच्छे सा फ्राई होगा, ये ब्राउन ब्राउन सा लग रहा है आपको। बस इसके बाद हम ये आलू हमने इस तरीके से काटे हैं, ये दो आलू हैं हमें इसे फिर इसमें शामिल करते हैं। नमक भी हम डालेंगे इसमें, इसको ऐसे हम ऐसे फ्राई करेंगे आलू को, आज हम लोग से अफ्तारी में खट्टे आलू खाएंगे। तो हम आलू मतलब इतना खट्टा नहीं डालना कि गले बंद हो जाए, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा खट्टे आलू नहीं डालना। अभी हम इसको थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे, फ्राई करेंगे इसके बाद ये हमारी है एक इमली की सौंठ बनी हुई है, हम वो डालेंगे। वैसे तो इमली का पानी डालता है उसके अंदर। चलो बन गए, बस इतना ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अभी एक चम्मच और इतना डाल दें, हम इतना डाल दें, ज़्यादा नहीं डाल दें। ये देखिए भाई चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है हमारा, ऐसे नहीं कि नहीं चल रहा है, ये देखें इसमें हम इसको ऐसे चलाएँगे, ऐसे चलाएँगे, ऐसे चलाएँगे, बाकी हम इसको चखेंगे नमक वगैरह। और ये आलू आप खाएँ वो बहुत मज़ा आता था उसमें, ऐसे जो है इमली के जो नहीं थे इमली का गूदा वो सब डालें आप, और मज़े के बनते थे वो ना, आप इसको चखिएगा कैसे मज़ेदार हो रही थी, लेकिन चखते थे मज़ेदार। और ये खाएँ और अभी रोज़ा है और इसकी खुशबू तो हो, इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, उंगली ना चाट लें भाई, उठा के ना खा लें। एक रोज़ा है ना भाई, रोज़े में थोड़ी ना कोई खाता है, मुझे तो गलत बात होती है ना, रोज़े में थोड़ी ना चखता है। तो अब ये बन गया हमारा, अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको फिर हम खाएंगे, गरम गरम भी खा सकते हैं, ठंडे भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज वाले नहीं, बाहर रख रहे लो। तो इसको हम ऐसे ऐसे छोड़ देंगे ताकि हम जब निकालें इसको हल्के हल्के गरम गरम रहें, तो गरम भी अच्छे लगते हैं वैसे, तो थोड़े ठंडे ठंडे थोड़े बेहतर लगते हैं। फ्रिज के नहीं बोल रही भाई, फ्रिज के नहीं, बाहर रहते जो रूम टेम्परेचर। ये बन गया हमारा, ये पूरा लुक, ये हमारे खट्टे आलू के पूरे लुक है, ये देखिए। कई बड़े छोले बने हैं देखिए भाई, पापड़ी भी आई है, पापड़ी भी आई है, ये अलग मीठे दही बड़े दही बड़े, ये फीके दही बड़े फीके दही बड़े बनेंगे, ये छोले अलग बने, ये छोले अलग बाबा, आज शेप क्लीन शेप हुए हुए हैं। और ये देखिए ये छोले हैं, पानी पड़ा आ रही हूँ, ये क्या थोड़ा, और ये जा रही है दारिश, बताओ तो इधर, ये देखो ये क्या कर रही है दारिश, ये शेक बना हुआ है, और ये दुआ नहीं करना ना, पर ये भी बैठी है वहाँ पे, नहीं दूंगा मैं, बता दिया मैंने, दुआ नहीं कर रही, दुआ करो जल्दी से, बर्फ ही बर्फ दूंगी ना, बर्फ निकाल के बर्फ दूंगी सिर्फ दारिश को, दारिश ने तंग किया हुआ है दोस्तों। बस सर चलो आओ गया।
बेटा चूल्हा बंद कर। वाल गाय से दे देखो भाई आज हमारे ये बना है छोले दे पड़े शाम को देखिए हमारे घर में सैंडविच बन रहे हैं और ये जारिश बैठी हुई है गंदी बच्ची। अच्छा तो यानी मोबाइल देखो किसे मोबाइल देखो करण लग गया जाहिर से करण लगता है भाई। चलो आओ इधर कर अपने कपड़े दिखाओ। नहाई और नहाकर जुम्मे को ये वाला ड्रेस पहना है जाहिश दिखाओ पीछे घूम के पूरे ये देखो भाई ये ऐसा ड्रेस ऐसे नहीं बोला था ये देखे भाई ये देखे जाहिश के कपड़े ये लो। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया जाहिश खुश है आज जारिश क्यों ऐसी रहती है ये बताओ भाई क्यों तंग करती है मुझे ये बच्ची। नहीं नहीं बस जा रही हूँ मैं जा रही देर हो ये बहुत तंग करने लगती है ये बाबा जो है रुको ना पूरा पूरा मोबाइल रुक जाओ चलो जाओ ये देखो भाई गाड़ी तैयार हो गई पीछे घूमो मैंने ज्यादा लिपस्टिक ली है दोस्तों को जुम्मा मुबारक कह दो ये देखो भाई गाड़ी ने बाल बनाए हुए अपने जाओ दुआ दी जाओ शाबाश। हाँ बस मोबाइल नहीं देखते इतना हो बस इधर बैठो जाओ शाबाश कुर्सी हटाओ